वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं यू न्यूज़, मैं हूं महरीन खान। आइए नज़र डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। साबिक वजीर खजाना की मेडिकल रिपोर्ट मुस्तरद, सुप्रीम कोर्ट ने इसहाक डार की सेनेट की रुकनियत मुअत्तल कर दी। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, इसहाक डार कहाँ हैं, एक दिन तो उन्हें आना ही होगा। अलजीजिया से पहले एवनफील्ड रेफरेंस में मुलजिमान का बयान कलम बंद करने की इस्तदा मुस्तरद। एहतसाब अदालत ने वाजिद ज़िया को 10 मई को तलब कर लिया। वाजिद ज़िया अलजीजिया रेफरेंस में बयान कलम बंद कराएंगे। सफारतकार की गाड़ी की टक्कर से नौजवान की हलाकत, केस में नया मोड़। अमरीकी सफारतखाने का चीफ सिक्योरिटी अफसर दोबारा गिरफ्तार, SHO कोहसार के खिलाफ इंक्वायरी का हुक्म। कराची के साहिल पर कचरे के ढेर, वाटर कमीशन का इजहार बरहमी। DHA के टाउन प्लानर्स को तलब कर लिया। KT बंदर से पानी चोरी का मुकदमा दर्ज ना करने वाले अहलकारों के खिलाफ कार्रवाई का हुक्म। असगर खान केस के फैसले पर अमल दरामद के लिए हुकूमत को एक हफ्ते की मोहलत। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स में कहा, काबीना इजलास में फैसला किया जाए इनके खिलाफ क्या कार्रवाई करनी है। और कबड्डी सुपर लीग का नॉकआउट मरहला आज शुरू होगा। पहले मैच में कराची और साहिवाल के खिलाड़ी जोर आजमाएंगे, दूसरा जोड़ गवादर और फैसलाबाद में पड़ेगा। यू न्यूज़ से फिलहाल इतना ही। मजीद बाखबर रहने के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.unews.tv।